गाइस हम आ चुके हैं मसूरी, तो हम डायरेक्ट मसूरी आ गए। हमें देख लो कितना जबरदस्त कोहरा आ रहा है। हम तो यहाँ से जा रहे हैं ऊपर माल रोड। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कहते हैं कुछ ऐसा है, हमने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हम तो उठ गए हैं, फ्रेश भी हो गए, नाश्ता का टाइम हो रहा, तो नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं मसूरी के लिए। तो आज आप मसूरी का व्लॉग देखेंगे इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने की और जगह जगह घुमाने की। तो बहुत मज़ा आ रहा है देहरादून में, और मौसम तो बस क्या ही बताऊँ। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि रात में डेली बारिश ही होती है। देखिए कितना बढ़िया व्यू है, और पहाड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, मगर आपको नहीं दिखाई देंगे क्योंकि मेरा फ़ोन तो वैसे एंड्रॉयड है। अगर आईफोन होता तो मैं आपको जूम करके दिखाता, फिर भी कोशिश करूँगा दिखाने की, क्योंकि वहाँ कोहरा ही कोहरा है। मैं अपनी आंखों से जो देख रहा हूँ, पहाड़ों पे कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। और इधर देखिए, ये मेन रोड चल रहा है यहाँ पर, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेन रोड है, और ये सीधा जो जा रहा है ये मसूरी बस अड्डे की तरफ जा रहा है, जहाँ से हम बस लेंगे। तो बहुत मज़ा आएगा आज के व्लॉग में भी आपको, तो बने रहना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद में निकलते हैं मसूरी के लिए। तो ये देखिए गाइस, आप देख सकते हैं सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, और बाकी का मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया व्यू है यार यहाँ से। तो यह हमारी फुप्पो का घर है, और हमारी फुप्पो की घर की छत पे से आप देख सकते हैं ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, और कोहरा ही कोहरा है। इतना शानदार व्यू आ रहा है यहाँ से, दिल करता है कि बस यहीं रुक जाओ और पहाड़ों को देखते रहो बस। इतना ठंडा मौसम रात में कि ठंड लग रही थी, और सुबह में आप ठंडे पानी से नहा नहीं सकते, इतना ठंडा पानी है। चलिए गाइस नाश्ता करते हैं, फिर जल्दी से निकलते हैं मसूरी के लिए, है ना। कभी मसूरी जाना है ना हमें ऊपर पहाड़ों पे, है ना। तो जल्दी से नाश्ता करो, जल्दी जल्दी नाश्ता करना है। हाँ बर्फ दिख रही है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर से जाके पहाड़ जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओके ये देखो, जल्दी से नाश्ता करते हैं, ठीक है, जल्दी से करना है, जब भी लेके जाऊंगा मैं आपको। चलो फिर मिलते हैं नाश्ते के बाद। तो गाइस हम निकल गए हैं मसूरी जाने के लिए, तो अब जा रहे हैं हम मसूरी बस स्टॉप पर, तो वहाँ से बस लेंगे मसूरी के लिए। और ये देखिए कबीर, कबीर एक्साइटेड हो, छोटा कश्मीर जा रहे हैं हम, कश्मीर की तरह है वो भी। तो वे भाई अम्मी मजा आने वाला है, हमें तो अभी से ही मतलब इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, और जब मसूरी पहुंच जाएंगे तो और भी मतलब पूरे नहीं समाएंगे। वहाँ से नज़ारे जो देखेंगे ना वो अलग ही होंगे, और हमारी फुप्पो की छत पे से जो नज़ारे दिखाई दे रहे हैं ना, पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, और उन पहाड़ों के ऊपर जो कोहरा दिखाई दे रहा है तो वो अलग ही दिखाई दे रहा है। मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, और बाहर निकले हैं मतलब गर्मी भी नहीं लग रही है, इतना पसीना वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। जैसे मतलब यहाँ तो रात का डेली में बता रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो क्या है, एक बाहर निकल कर ना 2 मिनट भी तो पसीने पसीना यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपसे बस स्टॉप पर। तो गाइस हम आ चुके हैं मसूरी बस स्टॉप पर, तो यहाँ से बस लेंगे। बुकिंग काउंटर मसूरी मार्ग, जगह जगह के यहाँ पर बुकिंग भी होती है, मतलब हिल स्टेशन जो है बुकिंग काउंटर प्रति मार्ग, जो जो मतलब मसूरी में है ये सब यहाँ पर उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। और ये मसूरी की बस खड़ी हुई है जो मसूरी जा रही है यहाँ से, तो अच्छा लग रहा है बहुत। और वो भाई टिकट लेने के लिए गए हैं, तो यहाँ से टिकट लेकर निकलते हैं जल्दी से। चलिए जी हम तो अपनी बस में आ गए, मम्मी भी आ गई हैं, वो भाई भी आ गए, तो इसमें सीट नंबर के हिसाब से तो हमारी सीट 9, 10, 11 है, और सीट के हिसाब से ही सब यहाँ पर सवारी बैठ रही हैं। चलिए गाइस निकल गए हम मसूरी के लिए, और मिलते हैं आपसे रास्ते में हरी भरी वादियों में, पहाड़ों में। देख रहा हूँ हरी भरी वादियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, पहाड़ पहाड़। और देखिए ये कितना अच्छा था टन जो हुआ है एकदम, अभी हम चढ़ाई पर आ गए हैं बिल्कुल ऊपर, यहाँ से ऊपर से दिखाई दे रहा है देहरादून, द स्मार्ट सिटी ऑफ लव। देख रहो कितने ऊपर आ गए हैं, गाड़ी कितनी इतनी ऊपर चल रही है, पता ही नहीं चल रहा रास्ते किधर हैं, मगर जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, फुल एंजॉय कर रहे हैं रास्ते को, इतना एंजॉय कर रहे हैं जब ऊपर पहुंच जाएंगे जब कितना मज़ा आएगा।
चारों तरफ हरियाली हरियाली, इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, और पहाड़ियों पे ही चल रहे हैं हम। मसूर में अपनी गाड़ी से आने का अलग और भी मज़ा है, बाइक से या अपनी कार से या फिर टूरिस्ट कर लीजिए अपनी। देखिए अभी आप वादियाँ देखें, अभी देखो कितना ऊपर जाएंगे हम। जूम करके दिखाता हूँ मैं, देखो अभी जूम करके दिखा रहा हूँ तो इतना पास दिखाई दे रहा है, बहुत दूर है भाई, बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊंचाई पर। देखकर भी मतलब दिल भी मतलब कांप रहा है एकदम, कमज़ोर दिल का तो बिल्कुल भी ना आया है। लग रहा है मज़ा आ रहा है मम्मी? बहुत अच्छा। तुम्हारा तो सपना था। मेरा सपना पूरा हुआ। मम्मी का सपना था पहाड़ों में आने का, तो अभी हम जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल हम बस से जा रहे हैं, इंशाल्लाह अगर प्यार सपोर्ट रहेगा तो अपनी गाड़ी से भी आएंगे। पहाड़ों की रानी में आपका स्वागत है। तो अब हमारा मसूरी में एंटर हो चुका है, पहाड़ों की रानी में एंट्री कर दी है हमने, तो यहाँ से तो अलग ही व्यू आ रहा है। पेड़ भी हमें अलग ही अलग है ना, है ना, यहाँ के पेड़ भी एकदम अलग ही हैं। बादल देख रहे हो कितना ऊपर, अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बादल एकदम हाथ में आ जाएंगे, पूरा मसूरी हाथ में। अब तो बादल तो दूर की बात है, यहाँ पे इसके ऊपर देखना इतना बढ़िया बना हुआ है। यहाँ पे क्या है ये, इसका बारे में हमें मालूम नहीं है, मालूम करना पड़ेगा। फोन आ रहा है मगर है खूबसूरत, ठंडी ठंडी हवाएं चल। तो ये यहाँ पर ये पार्किंग है, इसमें आप दिखाई दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये पार्किंग है। हम आ चुके हैं मसूरी, तो हम डायरेक्ट मसूरी आ गए। हमें कैंपटी फॉल जाना था मगर कैंपटी फॉल के लिए वापस नीचे जाना पड़ेगा, तो देखते हैं अभी दूसरे पार्ट में हम दिखाएंगे आपको। अभी फिलहाल मसूरी घुमाएंगे। तो ये देखिए मम्मी भी और वैस कबीर, मम्मी कबीर को अकेला मत छोड़ो उधर, बड़ा मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है इतना ठंडी मौसम है, ऐसा लग रहा है चिल्ड ऐसे ही चल रहा हूँ, ऐसी से भी ज़्यादा बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए यहाँ से पार्किंग देखिए कहाँ कहाँ बना रखी है। तो वो रही हमारी बस जिससे हम अभी आए हैं, और ठीक है पार्किंग, और नीचे का नज़ारा देख सकते हैं, कोहरा ही कोहरा, बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बादल आपको बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे, देखो कैसे उड़ रहे हैं, पहाड़ों से टकरा रहे हैं। और यहाँ पर ये रिजॉर्ट बने हुए हैं ऊपर रहने के लिए, स्टे करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अभी तो थोड़ा सा हम नीचे के लिए नीचे जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे से उधर साइड से दिखाएंगे आपको। मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, देख रहे हो कितना ज़बरदस्त, मतलब ये बादल ये कोहरा जो भी है बहुत बढ़िया है, ठंडी हवा कितनी है, मतलब अलग ही है यार। देख रहे हो कितना ज़बरदस्त कोहरा आ रहा है। हम तो यहाँ से जा रहे हैं ऊपर माल रोड, तो वहाँ से ट्रॉली में देखेंगे, ट्रॉली में बैठेंगे। तो ऐसा लग रहा है अभी तो इतना कुछ दिखाई भी दे रहा था, अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा नीचे का, और ऐसी ठंडी ठंडी हवा जैसे अपने मेरठ में शीतलहर चलती है ना, इस तरह से। मसूरी आ जाओ, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, और मतलब मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि एक मेरठ के छोटे से गांव से निकल के मैं मसूरी घूमने का आया हूँ। फर्स्ट टाइम मतलब इस तरह की यहाँ पर पहाड़ियों में इस तरह से घूम रहा हूँ, तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब दिल खुश हो गया यार, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मिल गया, मगर
जो मज़ा अपनी बाइक से और अपनी कार से है ना, वो अलग ही मज़ा। अभी तो मैं आपको बस से घुमा रहा हूँ, मसूरी का टूर करा रहा हूँ बस से, और इंशाल्लाह अगर आपका प्यार सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह अपनी बाइक से और अपनी कार से भी कराऊंगा। तो छोटी कारें भी इतनी इतनी सी दिखाई दे रही हैं, आपको तो दिखाई भी नहीं दे रही होंगी। और देखिए किस तरह से ये धुआं आ रहा है, कोहरा है, बादल जो भी है, किस तरह से उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम बनने वाला है, ऐसी लग रहा है मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या जगह है। तो यहाँ पर एक माल रोड बता रहे हैं उधर साइड, ऊपर साइड, तो चलते हैं वहीं चलते हैं, ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से नज़ारा देखते हैं, ऊपर से नज़ारा कैसा दिखता है। तो पीछे आ रहे हैं मम्मी, ओवेस, कबीर, यहाँ से जाएंगे शायद, इधर से बताया रास्ता। देख रहे हो कैसा आ रहा है धुआं, एकदम ऊपर हवा के जरिए एकदम ऊपर आ रहा है। और अच्छा हुआ, ओए अच्छा हुआ हमने जैकेट रख ली थी कबीर की भी, और मैंने भी अपनी। 5 मिनट पहले सही कह रहा भाई, 5 मिनट पहले कुछ नहीं था, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था, और अभी 5 मिनट के अंदर अंदर देखो कितना, मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा दूर से, दूर तक का भी। अभी फिलहाल यहाँ का दिखाई दे रहा है, और कुछ पता नहीं यहाँ का भी दिखाई देना बंद हो जाए। तो अभी सब ऊपर चढ़ रहे हैं, माल रोड जा रहे हैं। देखिए किस कदर, देख रहे हो धुआं कैसा आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अम्मी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मज़ा आ रहा है? वैसे तुम्हारा तो ड्रीम था पहाड़ों में जाने का बचपन से, तुम बता रही थी अभी। इंशाल्लाह अम्मी अगर कामयाबी मिली तो और पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। अम्मी अभी तो फर्स्ट टाइम आए हम इतना घूमने के लिए ऊपर, अगर हम इतना ऊपर घूमते रहेंगे ना तो आदत हो जाएगी, तुम्हें भी परेशानी नहीं होगी। तो मम्मी को आराम से लेकर आना पड़ रहा है ऊपर, मम्मी को भी सुकून मिल रहा है पहाड़ों में आकर। नीचे से देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कुछ ऊपर छोटे मोटे होटल बने हुए हैं, यहाँ तो बहुत बड़ी मार्केट है भाई। तो मसूरी का माल रोड है तो शायद इधर से जाना पड़ेगा ना। अभी हम वहाँ थे पार्किंग के पास, और अभी हम ऊपर आ गए हैं, ऊपर से भी फोटो क्लिक करेंगे और ऊपर से भी नज़ारा देखेंगे। नज़ारा क्या देखेंगे, अब तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। देख रहे हो कितना ऊपर आया, अभी तो और ऊपर चढ़ना है। चलो कबीर, कबीर मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। कबीर को, रकीब को मिस कर रहे हो? नहीं, रकीब को मिस नहीं कर रहे? अच्छा, मना कर रहा, रकीब को मिस नहीं कर रहा मैं। बहुत ज़्यादा मौसम, मुझे ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। देख रहे हो शूज़ वगैरह कपड़ों की मार्केट, भाई साइड में होकर चलना पड़ेगा कभी कोई उड़ाई दे, यहाँ तो कोई रोक भी नहीं रहा, स्पीड से जा रहे हैं एकदम। यहाँ के रिक्शे भी देखना कितने अलग हैं, रिक्शे भी एकदम अलग तरीके के, पहाड़ी रिक्शे। ये सब, ये जो तीर आपको दिखाई दे रहे हैं ये बता रहा है कौन सी किस जगह है, कंपनी गार्डन, लाइब्रेरी, बस स्टैंड, कैंपस, बैक रोड, बाहुगुना पार्क। तो ये सब जो जो जिस साइड को है तीर उस साइड को वही जगह है। ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर में आ गए हो, और हम हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं। हमारे पापा ने हमसे कहा था जैकेट रख के लेके जाओ, रख के लेके जाओ, मगर हम भी ना शेर बन के आ रहे थे, शेर बन के, जैसे ठंड लगेगी नहीं। तो अभी उमेश भाई को ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। कुछ बातें बड़ों की भी मान लेनी चाहिए, मगर नहीं मानी। भाई मेरी बात सुनो, अगर ठंड लगे ना तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ले लेंगे, विंडचीटर वगैरह कुछ, ठीक है? टेंशन मत लो यार, सब जर्सी वगैरह सब मिल रही हैं। मेरा काम ही यही है। ओए भाई का तो काम ही यही है, क्या कह रहा हूँ, पछता रहा हूँ, इतनी सारी जैकेटें, इतनी सारी चीज़ें रखी थी मेरी दिल्ली रखी यार। अम्मी खुल से बता, खुल के बताओ, एकदम खुशी हो रही है, मज़ा आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत लग रही थी। अम्मी को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो अभी, हाँ ऐसा महसूस हो रहा। कबीर यार कुछ तो बताओ यार, तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ठंड लग रही है? नहीं लग रही ठंड? लग रही है। अली भाई, रकीब याद आ रहे हैं? नहीं आ रहे। मम्मी याद आ रही हैं? कोई भी याद नहीं आ रहा भैया, कबीर को कोई याद नहीं आ रहा, कबीर को कोई याद नहीं आएगा। और नानू, कबीर नानू को बताओ जल्दी से, नानू याद आ रहे हैं? नहीं आ रहे। ओ नानू ने भेजा है, पिटाई हो जाएगी। तो सब ये फोटो शूट के लिए यहाँ पर बनाई गई हैं जगह, ले कुछ जगह फेमस होंगी जिनकी यहाँ पर ये पेंटिंग बनाई गई है।
काम भी चल रहा है, देखो छोटे छोटे पत्थर कैसे लगाए जा रहे हैं साइडों में, रोड के साइड में, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह के पत्थर दिल्ली में भी लगाए जाते हैं, मगर थोड़े बड़े करके लगाए जाते हैं। देखिए यहाँ का नज़ारा देखिए भाई, ये जो कोहरा है ना, फॉग जो है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, और यहाँ तो काम भी बहुत चल रहा है। देखना लाइटिंग वगैरह भी सब, लैंप, ये लैंप देखिए कितने अच्छे लगे हैं, एलईडी टाइप एलईडी है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आई लव मसूरी, तो यहाँ पर भी फ़ोटो शूट करेंगे, मगर फ़ोटो शूट करने का तो हिसाब किताब ही नहीं बचा यार, कितना मतलब फॉग आ गया एकदम से, मगर फिर भी दिखाई दे रहा, अच्छा लगेगा फ़ोटो क्लिक होने के बाद, अच्छा लगेगा फ़ोटो क्लिक हो गया, अच्छा दिखाई दे रहा है। अम्मी का भी क्लिक करेंगे, मेरा भी, और कबीर का भी, और तेरे भी, ठीक है। चलो यहाँ पे फोटो शूट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखना कितनी खूबसूरती है, एक से एक फ्लावर्स, एक से एक होटल, इतनी ऊंचाई पे है। मैं जितना आपको दिखा सकता हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ, अगर पूरा दिखाऊँगा तो बस क्या ही बताऊँ, घंटों घंटों के पूरे एपिसोड बन जाएंगे, इतना कुछ है यहाँ पर। बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है, फर्स्ट टाइम जैसे मैं आ रहा हूँ तो फर्स्ट टाइम में तो मज़ा आता ही है, मगर यहाँ पर जितनी बार आएंगे ना उतनी बार ही मज़ा आएगा। सेशन हाउस मसूरी ज़िला देहरादून, देखना इतनी ज़बरदस्त लोकेशन है, फ़ोटोग्राफी तो और ज़बरदस्त होगी यहाँ पर। ओवेद भाई मेरे से खिलस रहे हैं, ओवेद भाई बोल रहे हैं कि तेरे तो बस की नहीं है फ़ोटो खींचना, बस वीडियो बना लेता वो बस है, और फोटो तो भी नहीं बनते तरीके से, वीडियो भी देर तक ढंग के तरीके से नहीं बनती। अच्छा भाई, भाई दिखाई दे रहा है, तो ओवेद भाई ने मेरे अच्छे अच्छे फ़ोटो खींच दिए, और मम्मी के कबीर के साथ भी मेरे अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक कर दिए, और ओवेद भाई के नहीं हो रहे हैं, ओवेद भाई को गुस्सा आ रहा है, ओवेद भाई कह रहे, मैंने कहा चलो एक बार और ट्राई कर रहा हूँ, भाई तू मुझे खिलसा देगा रहने दे, नहीं तो तेरे सारे फ़ोटो डिलीट कर दूँगा, अभी तो चुपचाप चलता रहे, ये किसी गरीब को देखना पड़ेगा वही क्लिक करेगा मेरे फ़ोटो। हाँ किसी गरीब को देखोगे, किसी गरीब को देखना पड़ेगा जो मेरा फोटो क्लिक करेगा। तो गाइस मसूरी का व्लॉग आप देखेंगे दो पार्ट में, पहला पार्ट आप देख चुके हैं, दूसरा पार्ट आएगा कल, वो इसलिए क्योंकि मसूरी का व्लॉग 40 मिनट का व्लॉग हो रहा था और इतने प्यारे प्यारे व्यू थे, मैं उनको डिलीट नहीं कर पाया हूँ, तो मैंने सोचा उसका पूरा ही दिखाते हैं, तो इसलिए पहला पार्ट आप देख ही चुके हैं, दूसरा पार्ट आएगा कल सुबह। तो फिलहाल हम मिलते हैं आपसे कल सुबह एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।